नमस्कार, स्वागत है आपको। पार समाचार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर आज नैनीताल हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। इस दौरान प्रदेश सरकार दूसरे शपथ पत्र कोर्ट के सामने पेश करेगी। बता दें कि 28 जून को हाईकोर्ट ने सरकार के चारधाम यात्रा के फैसले पर रोक लगा दी थी। साथ ही कोर्ट ने यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग कराने के आदेश भी दिए थे। दूसरी ओर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सूत्रों के मुताबिक इस पर आज सुनवाई हो सकती है। बड़ी खबर आपको दे दें, चार धाम यात्रा को लेकर आज इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात सामने आ रही है सरकार के द्वारा। तो मोदी सरकार आज शाम को कैबिनेट विस्तार करने जा रही है, जिसके जरिए उन 5 राज्यों को साधने की कोशिश की जाएगी जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि तो चार धाम यात्रा पर सुनवाई होने वाली है। आज हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी और दोबारा आज उत्तराखंड की सरकार को शपथ पत्र दाखिल करना है। हालांकि इससे पहले भी शपथ पत्र दाखिल कर चुकी है उत्तराखंड की सरकार, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रजामंदी जाहिर नहीं की थी और असंतुष्टि जाहिर करते हुए दोबारा शपथ पत्र को दाखिल करने की बात कही थी। और साथ ही ये भी कहा था कि आप अभी चारधाम यात्रा को चालू या सुचारू रूप से नहीं चला सकते। तो 28 जून को कोर्ट ने 7 जुलाई तक के लिए यात्रा पर रोक लगा दी थी और सरकार को यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग के निर्देश भी दिए गए थे। क्योंकि पहले हमने देखा था कि बहुत से जगहों पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी, मास्क भी लोगों के द्वारा नहीं पहने गए थे। लिहाजा एक वजह यह भी रही थी कि जब स्ट्रीमिंग कराने की लाइव स्ट्रीमिंग कराने की बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई थी। मोदी सरकार आज शाम को कैबिनेट विस्तार करने जा रही है, जिसके जरिए उन 5 राज्यों को साधने की कोशिश की जाएगी जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी को कैबिनेट विस्तार में बड़ा हिस्सा मिलने जा रहा है, साथ ही उत्तराखंड से भी 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 2022 के मिशन पर मोदी सरकार, केंद्र में कैबिनेट विस्तार की तैयारी। यूपी और उत्तराखंड को साधने की कोशिश। यूपी में किसको मिलेगी केंद्र की चिट्ठी? बाहर से किसके लिए आएगा पैगाम? 2022 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। कैबिनेट विस्तार के जरिए मोदी सरकार इन राज्यों को साधने की कोशिशों में जुटी है। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर केंद्र सरकार की पैनी नजर है। होने वाले कैबिनेट विस्तार में यूपी को बड़ा हिस्सा मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। ब्राह्मण चेहरे के रूप में प्रदेश की पूर्व मंत्री रीता बहुगुणा जोशी का नाम सबसे आगे चल रहा है, जिसके जरिए बीजेपी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करेगी। इसके अलावा बस्ती से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी भी कैबिनेट मंत्री बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं संत कबीर नगर से लोकसभा सांसद प्रवीण निषाद को केंद्र में लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि निषाद वोट बैंक को साधा जा सके। वहीं सहयोगी दलों में अपना दल की अनुप्रिया पटेल के शामिल किए जाने की चर्चा है। इसके अलावा वरुण गांधी का नाम भी लिस्ट में शामिल हो सकता है। उत्तराखंड में भी यूपी के साथ विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कैबिनेट विस्तार में सबसे आगे तीरथ सिंह रावत का नाम चल रहा है, क्योंकि मोदी सरकार तीरथ सिंह रावत को केंद्र में लाकर डैमेज कंट्रोल का काम भी करने जा रही है। वहीं अनिल बलूनी का नाम भी कैबिनेट विस्तार की रेस में शामिल है। आगामी विधानसभा चुनाव में मोदी सरकार यूपी को जीतने की पुरजोर कोशिश में जुट गई है, क्योंकि बीजेपी को साफ पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। टीम न्यूज़ स्टेट।